साथियों, राजस्थान ने आह्वान कर दिया है, राजस्थान को बचाएंगे, भाजपा सरकार को लाएंगे। मेरे परिवारजनों, मेवाड़ की राजस्थान की पहचान आतिथ्य सत्कार की है, लोक संगीत की है, लोक संस्कृति की है, शौर्य की है। यहां की एक एक विरासत पर गर्व करने की है। लेकिन 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की साख को तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया है। मैं इस मेवाड़ की धरती को साक्ष रख करके कहना चाहता हूं, जब यहां से खबरें आती है, बहुत दुखी मन हो जाता है, बहुत तकलीफ से अनुभव करता हूं। और मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं, आज जब अपराध की बात आती है तो कौन सा राज्य टॉप पर आता है, कौन सा राज्य? ये हमारा राजस्थान। आज जब अराजकता, दंगे, पत्थरबाजी की बातें होती है तो कौन से राज्य का नाम बदनाम होता है? हमारा राजस्थान। आज महिलाओं, दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार की बात होती है तो कौन सा राज्य आज सबसे ज्यादा बदनाम हो रहा है? ये हमारा राजस्थान। क्या आपने, मैं राजस्थान की जनता को बड़े दर्द के साथ, बड़े दुख के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने 5 साल पहले इसके लिए कांग्रेस को वोट दिया था? साथियों, राजस्थान के लोगों को भ्रम में डालकर कांग्रेस ने यहां सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार चला नहीं पाई। यहां गहलोत जी सोते, जागते, बैठते, उठते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे थे और आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी गिराने में जुटी थी। जनता को अपने हाल पर छोड़कर ये लोग आपसी लड़ाई में ही व्यस्त रहे, हिसाब चुकता करने में लगे, अपने बेटों को सेट कैसे करना, इसलिए दूसरे के बेटों को कैसे उखाड़ देना। लेकिन इन सब के बावजूद एक विषय को लेकर कांग्रेस में हमेशा मिलीभगत रही, हमेशा सहमति रही। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 5 साल राजस्थान में कांग्रेस ने यही किया है। हर भ्रष्टाचारी, हर गुंडा, हर दंगाई, हर अत्याचारी, कांग्रेस का हर नेता
खुद को राजस्थान की सरकार मान बैठा है। मेरे परिवारजनों, आप मुझे बताइए, राजस्थान में ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? एक दिन भी रहना चाहिए क्या? राजस्थान को ऐसी सरकार चलेगी क्या? मेवाड़ की आवाज पूरे राजस्थान की आवाज है। राजस्थान कह रहा है, राजस्थान विश्वास से कह रहा है, राजस्थान बड़े भरोसे से कह रहा है, भाजपा आएगी, गुंडागर्दी जाएगी। भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी। भाजपा आएगी, पत्थरबाजी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, बेईमानी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। भाजपा आएगी, रोजगार लाएगी। भाजपा आएगी, समृद्ध राजस्थान बनाएगी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की जनता का संदेश कांग्रेस के नेताओं तक भी पहुंच चुका है। यहां मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आपने सुना होगा, इसका मेरे पास सबूत है। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा ना हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। और इसलिए गहलोत जी ने भी एक प्रकार से भाजपा को बधाई दे दी है। आप देखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री आजकल क्या बोल रहे हैं। वो अब आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए। ऐसा कह रहे हैं वो, उनकी योजनाओं को बंद न किया जाए। तो पहले तो गहलोत जी, आपने पराजय स्वीकार कर लिया, हमारी सरकार बनेगी, ये बात को सार्वजनिक कह दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपने जब इतना ईमानदारी से कह दिया है, तो मोदी तो आपसे अनेक गुना ईमानदार है। मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भले गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं चालू की होगी, लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं, उसको अच्छा करने का, बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। और ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। लेकिन राजस्थान के भाइयों और बहनों, मैं एक और बात की गारंटी देना चाहता हूं। जिन जिन ने यहां भ्रष्टाचार किया है, योजनाएं तो हम चलाए रखेंगे, सुधार भी करेंगे, लेकिन जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, गरीबों के पैसे लूटे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई जरूर होगी। ये भी मोदी की गारंटी है। ये लोग मोदी को चाहे जितना गाली देते रहे,
चाहे जितना उसकी कब्र खोदने के सपने देखते रहे, करप्शन पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। कांग्रेस सरकार का तो हाल ये है, कांग्रेस सरकार का तो हाल ये है, आपनो घोड़ो छाया में बांधनो, दूजा को फरवा दियो, यानी जनता के पैसों से अपनी तिजोरी भरो और जनता को बेहाल छोड़ दो। राजस्थान के युवाओं के साथ जो धोखा किया गया है, भाजपा उसकी तह तक भी जाएगी। कांग्रेस वोट पाने के लिए भांति भांति के छल प्रपंच ये करती रहती है, झूठी घोषणाएं, झूठे वायदे, ये तो कांग्रेस का स्वभाव बन गया है। अब आप देखिए, हमारे सैनिकों के साथ भी वन रैंक वन पेंशन को लेकर ऐसा ही छल इन्होंने किया था। दशकों तक कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन का मामला लटकाए रखा। राजस्थान के मेरे वीर भाइयों और बहनों, मोदी ने अपने सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन इसकी गारंटी दी थी। हमने डंके की चोट पर इसे पूरा किया। आपको हैरानी होगी कि अभी तक पूर्व सैनिकों को, अब देखिए उन्होंने क्या खेल खेला था, 500 करोड़ रुपए का ड्रामा। हमने अब तक 70,000 करोड़ रुपए वन रैंक वन पेंशन के तहत हमारे सेना के जवानों को मिल चुके हैं। अब आप सोचिए, कहां 500 करोड़ रुपए और कहां 70,000 करोड़ रुपए। याद रखिए, क्या कांग्रेस ऐसे ही ठगी करती है, ऐसे ही झूठ बोलती है? मेरे परिवारजनों, जब भी कांग्रेस को पक्का हो जाता है कि वो चुनाव हारने वाली है, तो वैसे ऐसी ऐसी झूठी घोषणाएं करने में लग जाती है, अखबारों में टीवी पर छाए रहने के लिए खजाना लुटा देती हैं। राजस्थान में भी ये ऐसा ही खेल खेल रहे हैं, जनता को धोखा देने में जुट गए हैं। ये सोच रहे हैं कि जनता इनकी बातों में आ जाएगी, इनके 5 साल के कुशासन को भूल जाएगी, इसलिए इन्होंने फिर धड़ाधड़ घोषणाएं करनी शुरू कर दी है। लेकिन मेवाड़ की, राजस्थान की जनता तो पूछ रही है कि इतनी ही चिंता थी तो बीते 4-5 साल कहां थे? कुर्सी बचाने के सिवाय कोई काम किया है क्या? गरीब कल्याण की गारंटी तो मोदी पूरा कर रहा है। कोरोना काल में हर परिवार का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भी भूखा सो न जाए, मोदी ने उस गारंटी को पूरा करके दिखाया है। हर गरीब को कोरोना का मुफ्त टीका लगे, ये गारंटी मोदी ने पूरी की। हर गरीब का अस्पताल में मुफ्त इलाज हो, ये गारंटी मोदी ने पूरी की।
और आप जानते हैं हमारा समाज में, परिवार में अगर मां बीमार हो जाए, कितनी ही पीड़ा हो, कितनी ही तकलीफ हो, लेकिन मां परिवार में किसी को पता नहीं चलने देती कि वो बीमार है, दर्द हो रहा है, वो अपना काम करती रहती है, मुसीबत पीड़ा दर्द सहती रहती है। क्यों? क्योंकि मां के मन में होता है कि अगर बच्चों को बीमारी का पता चल जाएगा और अस्पताल में जाएंगे, भारी भरकम बिल आएगा, ये बच्चे कर्जदार बन जाएंगे, बेटे पर कर्ज नहीं करने देना है, भले 2 साल पहले चली जाऊं, भले दर्द सहती रहूं, लेकिन बेटे को कर्ज में नहीं डूबने दूंगी। ये हमारे देश की माताएं सोचती है। लेकिन मेरी माताएं बहनें, अब आपका बेटा दिल्ली में बैठा है, अब आपको बीमारी सहनी नहीं पड़ेगी, यह आपका बेटा 5 लाख रुपए तक आपके इलाज का खर्चा करने के लिए आपको गारंटी देता रहा है और पूरी कर रहा है। आज मैं राजस्थान के हर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को एक और गारंटी दे रहा हूं। मोदी हर गरीब को पक्की छत देगा, पक्का घर देगा। अब तक 4 करोड़ घर बना दिए हैं और जिनका बाकी रहा है काम चालू है, और आपका घर भी बनेगा, ये मोदी की गारंटी है। आपके गांव में ऐसा कोई भी गरीब परिवार हो जिसका पक्की छत नहीं है, उसको जाके बता देना मोदी आया था, सांवलिया सेठ के चरणों में बैठकर के बोल के गया है कि तेरा भी पक्का घर बन जाएगा। मोदी ने राजस्थान के लाखों परिवारों को पाइप से पानी पहुंचाने की गारंटी भी दी है। और मोदी आज गारंटी देता ऐसा नहीं, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, नर्मदा का पानी राजस्थान को देना था। आज हिंदुस्तान में देखिए, एक राज्य दूसरे राज्य को पानी देना मना करता है, दो दो राज्यों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन ये मोदी की गारंटी थी, अगर नर्मदा का पानी गुजरात को मिलता है, राजस्थान को भी जरूरत है, राजस्थान भी मेरा है, मैं राजस्थान को तरसा नहीं रख सकता हूं। और नर्मदा का पानी, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, आज राजस्थान के कई जिलों में नर्मदा का पानी पहुंच रहा है, ये मोदी की गारंटी होती है। राजस्थान के मेरी माताएं बहनें, मैं गुजरात से जानता हूं बिना पानी कैसे जिंदगी मुश्किल से गुजरती है। सूखा प्रदेश है, बारिश कम होती है, उसके बावजूद भी गारंटी दी है। मेरी माताएं बहनें, आपके रसोई घर में नल से जल, ये मोदी की गारंटी है। राज्य के 45 लाख से अधिक परिवारों तक पिछले 4 साल में नल से जल पहुंच चुका है। और अगर यहां एक कुर्सी बचाओ सरकार न होती, ना भाजपा की सरकार होती, तो आज मेरा काम पूरा हो गया होता। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, भाजपा सरकार बनते ही
जिन घरों में अभी नल से जल नहीं पहुंचा है वहां भी तेज गति से पहुंच जाएगा। मेरे परिवारजनों, इस क्षेत्र में सिंचाई के पानी की जो दिक्कत है मैं उसे भी भली भांति जानता हूं। ये पूरा क्षेत्र हम गुजरात के लोगों को तो ऐसा ही लगता है जैसे हमारा ही घर है। भाजपा सरकार बनने के बाद किसानों की सिंचाई से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। मेरे परिवारजनों, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को सुविधा देने और सशक्त करने के ऐसे हर काम तो मोदी कर रहा है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? या तो मोदी को गाली देती है या फिर भाजपा सरकार की योजनाओं को रोकती है। कांग्रेस जो भी योजनाएं बनाती है वो बिना भ्रष्टाचार के लागू हो जाए ये संभव ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए, महात्मा गांधी स्वच्छता के आग्रही थे कि नहीं थे? जरा मुझे जवाब दीजिए, महात्मा गांधी स्वच्छता के आग्रही थे कि नहीं थे? महात्मा गांधी हमें स्वच्छता के लिए कह के गए थे कि नहीं गए थे? क्या 75 साल तक कांग्रेस को जितना भी समय 75 साल में काम करने का मौका मिला, क्या ये स्वच्छता के लिए उनको काम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? स्वच्छता होती तो बीमारी जाती कि नहीं जाती? अब मुझे बताइए, कल पूरे देश में गांव-गांव स्वच्छता का अभियान हुआ, क्या ये स्वच्छता का काम, इसमें भी भाजपा कांग्रेस जैसा होता है क्या? क्या कांग्रेस के लोगों को स्वच्छता करने में क्या जाता था? करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? ये कोई मोदी का जन्मदिन तो था नहीं, ये महात्मा गांधी का जन्मदिन पे हो रहा है, वो भी कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है। मैं तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कहना चाहता हूं, ये सारा गमंडिया गठबंधन को भी कहना चाहता हूं, अरे कम से कम स्वच्छता का काम तो हाथ में लो। चलो भाई, गांधी जयंती पर नहीं करना है तो खुद के जन्मदिवस पर करो, खुद के जन्मदिवस पर नहीं करना है तो आपके और नेताजी के जन्मदिन पे करो, वो नहीं करना है तो आपके बच्चों के जन्मदिन पे करो, लेकिन स्वच्छता का काम करने में भी राजनीति का खेल खेल रहे हैं। ऐसा काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें कटकी करने की जगह नहीं होती है, मलाई खाने का मौका नहीं होता है। मेरे परिवारजनों, जनता को अपने हक के लिए भी कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों के पीछे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। कांग्रेस की ये मनमानी अब राजस्थान की धरती पर नहीं चलेगी।